नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक एजुकेशन में। दोस्तों, इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड नई नई जानकारी लाता रहता हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल। दोस्तों, आज एक मैं ऐसी कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने 3 महीने में 234% के आसपास का रिटर्न दिया है। दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 3 महीने में तो दोस्तों कमाल की रिटर्निंग रही है। आज हम ऐसी कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं, और कोई दोस्तों ऐसी छोटी मोटी कंपनी नहीं है, अंबानी जी का हाथ है उस कंपनी के ऊपर। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी कंपनी है, और जिस हिसाब से रिलायंस ग्रोथ कर रहा है उसी हिसाब से समझ सकते हैं दोस्तों, उसके जो भी सब्सिडरी कंपनीज हैं वो भी उसी हिसाब से भाग रही हैं, उससे तेज़ कहीं ग्रोथ दिखा रही हैं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं। तो दोस्तों, पहले टेक्निकल हम बात कर लेते हैं, जो भी इनके MACD, RSI और इनके चार्ट्स पहले क्या कहते हैं, पहले मैं उसकी बात कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या रिटर्निंग इनकी परफॉर्मेंस रही है, किस टाइम में कितना रिटर्न दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों कंप्लीट एनालाइज करेंगे और आगे आने वाले टाइम में भी बात करेंगे कि आगे ये कितना और रिटर्न दे सकता है। तो दोस्तों, कंपनी कमाल की है, तो आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी कंपनी है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर RSI की बात किया जाए तो आप देख सकते हैं RSI में ये 80 का दिखा रहा है टारगेट इस टाइम। तो दोस्तों, ये ओवरबॉट दिखा रहा है, हालांकि इसमें हो सकता है जल्दी जल्दी करेक्शन देखने को मिले आपको, क्योंकि आप देख सकते हैं जब भी ये ऊपर जाने 80 के आसपास जाता है उसके बाद इसमें अच्छी खासी करेक्शन आती है और ये 70 के नीचे तक आ जाता है, 60-65 पे आ जाता है। तो दोस्तों, इसमें भी करेक्शन आ सकता है, तो इस बात का आप वेट कर सकते हैं। और हालांकि आप लोगों में से कुछ लोगों ने देख लिया होगा कौन सी कंपनी है। तो दोस्तों, हाँ, मैं हैथवे इंडिया की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, ये अभी ओवरबॉट दिख रहा है RSI में, आप देख सकते हैं, और जल्दी इसमें करेक्शन भी आ सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ये ओवरबॉट हो चुका है। तो जैसे ही करेक्शन आता है दोस्तों, तो आप डीप पे इसे बाइक जरूर करें, क्योंकि अगर डीप पे बाइक करते हैं तो आपको अच्छी खासी प्रॉफिट बनाने को मौका मिलेगा। तो वहीं दोस्तों, अगर MACD की बात किया जाए तो MACD में आप देख सकते हैं 5.5 की वैल्यू शो कर रही है, यानी कि ये भी बुलिश है। तो दोस्तों, यहाँ पे भी देख सकते हैं, यानी कि ये कहीं ना कहीं हर अपने टारगेट को क्रॉस करके ये काफ़ी ऊपर जा चुका है। तो दोस्तों, थोड़ा सा आप वेट करिए, उसके बाद इसमें आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी बड़ी अच्छी मिलेगी। तो दोस्तों, ये शेयर जल्दी गिरने वाला है, क्योंकि आप देख सकते हैं जब भी RSI यानी इंडिकेटर की बात किया जाए, मैं कोई ऐसा नॉर्मली ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, फंडामेंटल की बात कर रहा, तो फंडामेंटल आप देख सकते हैं दोस्तों, जब भी ये ऊपर जाता है तो उसके बाद इसमें करेक्शन आता है, चाहे जितनी बार की बात करें आप, तो देख सकते हैं कुछ ना कुछ करेक्शन आता है। तो इसमें 10-20% का करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है, और जैसे ही अगर यहाँ से अगर 10% भी ये करेक्ट होता है तो आप इसमें SIP अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं और चार्ट की बात कर लेते हैं, तो बाकी डिटेल भी देख लेते हैं। दोस्तों, अब को मैंने RSI दिखा दिया, MACD दिखा दिया, अब एक बात कर लेते हैं MFI का, यानी मनी फ्लो इंडेक्स का। दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है, क्योंकि किसी शेयर को देखने के लिए, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये भी 83.94 की इंडिकेटर पे शो कर रहा है, यानी ये भी ओवरबॉट शो कर रहा है। तो दोस्तों, आप इसमें भी देख सकते हैं, इसमें भी मैं आपको दिखा दे रहा कि आप देख सकते हैं जितनी बार भी ये क्रॉस करके, यानी कि 90 के लेवल को क्रॉस करता है, उसके बाद इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं करेक्शन आता है, 80 के बाद जब भी करेक्ट इसे ऊपर जाता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे भी ये करेक्ट हुआ था, उसके बाद नीचे आया था काफ़ी, उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे भी ऊपर गया था, उसके बाद नीचे आया था। तो दोस्तों, इस बार भी ये 80 का लेवल क्रॉस करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और इसमें इस लेवल को भी देखने के बाद लग रहा है कि इसमें करेक्शन आ जाएगा, और जैसे ही करेक्शन आ गया तो आप अपनी SIP स्टार्ट कर दीजिए। देख लेते हैं दोस्तों, अगर नेक्स्ट चार्ट की बात कर लेते हैं, पहले चार्ट पे मैंने बोलिंजर बैंड लगा रखा है। तो दोस्तों, बोलिंजर बैंड की बात किया जाए तो आप देख सकते हैं अपर बैंड जो है ये इनका शो कर रहा है 51.94 रुपये, और दोस्तों ये शेयर ट्रेड हो रहा है 54.40 रुपये पे, यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं ये उसके भी ऊपर जाके ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों, ये इंडिकेटर भी आप देख सकते हैं, जब भी ये बोलिंजर बैंड के ऊपर, अपर बैंड के ऊपर जाता है, तब इसमें करेक्शन आता है और आपको करेक्शन देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी अगर ये ऊपर गया तो उसके बाद आप देख सकते हैं जल्दी इसमें करेक्शन देखने को मिला, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो दोस्तों, वही लेवल फिर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है ये, और कहीं ना कहीं इसमें फिर से करेक्शन आने के चांसेस हैं, तो आप देख सकते हैं। वहीं लोअर बैंड की बात किया जाए तो दोस्तों, आप देखते हैं लोअर बैंड तो बहुत नीचे छूट चुका है, क्योंकि 22.70 रुपये के आसपास का है, तो वो लेवल तो आना मुश्किल है, लेकिन 10-20% का करेक्शन इसमें आ सकता है।
वहीं दोस्तों सिंपल मूविंग एवरेज की बात किया जाए तो दोस्तों आप देख सकते हैं सिंपल मूविंग एवरेज अगर 20 दिनों की बात किया जाए तो ये 37.32 का दिखा रहा है, यानी ये लेवल भी काफ़ी नीचे है। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं अपर ब्रांड बैंड के अगर ऊपर ये जाता है तो उसके नीचे ज़रूर ये आएगा। तो आप देख सकते हैं आने वाले हो सकता है नेक्स्ट वीक या फिर इसी ट्रेडिंग वीक में ये आपको देखने को मिल जाए। तो दोस्तों आप अगर इनके सपोर्ट की बात किया जाए तो सपोर्ट दोस्तों 50 रुपये 30 पैसे पे पहला सपोर्ट बनेगा जब इस पर करेक्शन आता है या फिर कल को ये शेयर गिरता भी है। हालांकि ये मैंने जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाया ये कल के लिए है, तो इसे एक वो मत मानिए कि गिरावट में ये सपोर्ट रहेगा, तो ये कल के सपोर्ट का है। तो दोस्तों कल अगर आप देख सकते हैं सपोर्ट तो 50 रुपये 30 पैसे पे है, वहीं अगर ये लेवल टूटता है तो जल्दी ही आपको 47 रुपये 80 पैसे का सपोर्ट बनाते हुए दिखेगा। और दोस्तों वहीं पे अगर रेजिस्टेंस की बात किया जाए तो आप देखते हैं 55 रुपये 30 पैसे, क्योंकि दोस्तों हालांकि ये आज अपना 52 वीक हाई भी लगाया है 57 रुपये 30 पैसे पे, लेकिन उसके बाद उस पर टिक नहीं पाया, उससे काफ़ी फिर नीचे आ गया था। तो आप देख सकते हैं 55 रुपये 30 पैसे इनका पहला रेजिस्टेंस रहेगा। वहीं रेजिस्टेंस दूसरा अगर ये लेवल टूटता है तो जल्दी ये 57 रुपये 80 पैसे का रेजिस्टेंस का सामना इन्हें करना पड़ेगा। अगर ये लेवल भी टूटता है तो जल्दी ये दोस्तों ये 60 का लेवल क्रॉस करता हुआ आपको दिखेगा। हालांकि इस पर मैंने एक या दो तीन वीडियो बना के डाली थी और मैं 30 रुपये का जब ये चल रहा था तब से ही मैं आपसे कह रहा हूँ कि दोस्तों बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर है, आप इसे ले सकते हैं SIP के थ्रू, और मेरी वीडियो पड़ी हुई है आप जाके देख सकते हैं। और उसके बाद फिर मैंने 40-45 रुपये के आसपास भी एक वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने बोला था रिजल्ट भी दोस्तों इनकी अच्छी आई है, तो आप देख सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बात किया जाए तो मैं आपको NSE की वेबसाइट पर दिखा दे रहा आज की ट्रेडिंग क्या रही है। तो दोस्तों ये 3 बजे के आसपास का मैंने डेटा लिया हुआ है और आप देख सकते हैं 1.5 रुपये के आसपास ये अप पे था, यानी 3% के आसपास। वहीं दोस्तों अगर प्रीवियस क्लोज की बात किया जाए तो देख सकते हैं 52.85 रुपये, ओपन की बात किया जाए तो 55 रुपये, हाई 57.30 रुपये, यानी दोस्तों यही आज का हाई भी इसने अपना 52 वीक हाई भी बनाया। और वहीं लो की बात किया जाए तो 50.55 रुपये का लो था आज का, आप देख सकते हैं दोस्तों 52 वीक हाई की बात किया जाए तो 57.30 रुपये, जो कि आज के डेट में 22 जुलाई 2020 को इसने बनाया है। 52 वीक लो की बात किया जाए तो 10.50 रुपये, जो कि 24 मार्च को बनाया था। क्वांटिटी ट्रेडेड की बात किया जाए तो आप देख सकते हैं दोस्तों 2 करोड़ के ऊपर इनके क्वांटिटी ट्रेड है। और अगर डिलीवरी की बात किया जाए तो आप देख सकते हैं 61 लाख, जो कि 30% है टोटल का, तो आप देख सकते हैं दोस्तों। वहीं नेक्स्ट डिटेल की बात किया जाए तो दोस्तों अब रिटर्न की बात कर लेते हैं, क्या रिटर्निंग रही है। तो आप देख सकते हैं 1 हफ्ते में 26% का रिटर्न। वहीं सेंसेक्स की बात किया जाए तो सिर्फ 5-5.5% के आसपास का रिटर्न रहा है। वहीं दोस्तों अगर 2 हफ्तों की बात किया जाए तो आप देख सकते हैं 70% के आसपास का रिटर्न दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्तों में। और वहीं सेंसेक्स की बात किया जाए तो आप देख सकते हैं 4.5% के आसपास का रिटर्न है। वहीं दोस्तों अगर 1 महीने की बात किया जाए तो आप देख सकते हैं 1 महीने में भी कमाल का रिटर्न रहा है, जो कि 60% के आसपास का रिटर्न 1 महीने के अंदर दोस्तों। सेंसेक्स 9% के आसपास। वहीं दोस्तों अगर 3 महीने की बात किया जाए, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे कहा कि 3 महीने में 234% के आसपास का रिटर्न, तो अब दोस्तों देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 3 महीने में 234% का रिटर्न, कमाल की रिटर्निंग रही है दोस्तों, आप देख सकते हैं। वहीं आप देख सकते हैं सेंसेक्स की बात किया जाए तो सिर्फ 24% का पॉजिटिव रिटर्न दोस्तों, कमाल के वेट कर रहा है ये, आप देख सकते हैं 234%, वो भी सिर्फ 3 महीने में। तो दोस्तों इसलिए इसमें करेक्शन आ सकता है, आप देख सकते हैं बाई ऑफ टिप आप यूज़ करें, जैसे ही इसमें करेक्शन आता है तो उसमें आप कहीं उसमें अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। SIP अभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये शेयर ऊपर जाता है तो आपको शॉर्ट टर्म में कुछ ना कुछ अच्छी खासी इन्वेस्टिंग दे आपको रिटर्निंग दे देगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।